हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों, आज जो मैं थर्मोडायनामिक का नेक्स्ट वीडियो लेके आया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया वो टॉपिक है हमारा कारनॉट रेफ्रिजरेटर। दोस्तों, कारनॉट रेफ्रिजरेटर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि कारनॉट हीट इंजन जाके अच्छे से समझ ले। अगर कारनॉट हीट इंजन जो मैंने इसके पहले वाला वीडियो बनाया हुआ है उसको अच्छे से समझ ले, अगर उसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये टॉपिक कुछ भी हार्ड नहीं है दोस्तों। ये क्यों हार्ड नहीं दोस्तों, इसका मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं कारनॉट हीट इंजन को ऑपरेट करना उसके रिवर्स डायरेक्शन में, कैसे ऑपरेट करा रिवर्स डायरेक्शन में, तो मुझे मिलता है वो कारनॉट रेफ्रिजरेटर। ओके दोस्तों, मैंने क्या बोला, अगर मैं कारनॉट हीट इंजन को ऑपरेट कर रहा हूँ कौन से डायरेक्शन में, उसके रिवर्स डायरेक्शन में, तो मुझे मिलता है कारनॉट रेफ्रिजरेटर। सर ये क्या बोल रहे, बताता हूँ दोस्तों। आपको पता है हीट इंजन कैसे, हीट इंजन में क्या होता है, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर तक हीट फ्लो होता है। सही बात है, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर किसके अंदर, हीट इंजन के अंदर। रेफ्रिजरेटर में क्या होता था, कोल्ड रीजन से हॉट रीजन तक हीट फ्लो होता था। सही बात है कि नहीं, तो रिवर्स हो गया कि नहीं, ये ऐसे फ्लो होता है, ये क्या होता है ऐसे। तो वही अगर मैं क्या करूं, हीट इंजन को ऑपरेट करूं कैसे, रिवर्स डायरेक्शन में, अगर मैं कारनॉट हीट इंजन को ऑपरेट करूं उसके रिवर्स डायरेक्शन में, तो मुझे मिलेगा कारनॉट रेफ्रिजरेटर। ओके दोस्तों, इसका अगर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड करना है तो आपको पता ही है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम कैसे बोलते थे, अगर कोई फ्रिज कब अच्छा होता है, कोई फ्रिज तब अच्छा होता है जब वो कम से कम वर्क करके ज्यादा ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करे सब्सटेंस के अंदर से, उस सब्सटेंस जो भी हमने जो भी मतलब कि कोल्ड रीजन के बीच में जो भी सब्सटेंस रखा है और उसमें से ज्यादा ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करे, उस सिस्टम के अंदर से ज्यादा ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करे, तो हम बोलते हैं आपका फ्रिज एक नंबर है। बट अगर दोस्तों कम से, अगर मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा वर्क कर रहा है और हीट कम से कम एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो बोलेंगे आपके फ्रिज में कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक करवा लो उसको। तो दोस्तों इसीलिए जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, कहां से, क्यूसी और कितना वर्क किया, क्यूसी अपॉन डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्यू एच माइनस क्यूसी। ओके तो दोस्तों यही तो है, ये सब चीजें दोस्तों आपने सुना हुआ है। तो ये फिर से वही छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, इफ वी ऑपरेट द कारनॉट इंजन इन द रिवर्स डायरेक्शन वी गेट द कारनॉट रेफ्रिजरेटर। प्रदीप सर ने पहले बता दिया, वी कैन राइट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस द कारनॉट रेफ्रिजरेटर के इक्वल टू, एक मिनट बात कर ले लूं मैं। ओके दोस्तों, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको बताया था मैंने, हीट क्या करेगा, हीट वर्क करने के टाइम कम से जितना हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है उस सिस्टम के अंदर से, जितना हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और अगर वर्क कम से कम करके ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो हमारा बोलते हैं हमारा फ्रिज एक नंबर है दोस्तों। तो दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वैसे ही फाइंड करेंगे, क्यूसी अपॉन, क्योंकि अब प्रोसेस कहां से हो रहा है दोस्तों, कोल्ड रिजर्वायर से हॉट, मतलब कोल्ड रीजन से हॉट रीजन तक हो रहा है, इसलिए हमने ऐसे डिवाइड किया क्यूसी अपॉन डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है दोनों के बीच में डिफरेंस क्यू एच माइनस क्यू सी, ये सब दोस्तों आपको पता चल गया होगा। यहाँ ये सब चीजें तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों, एंडिंग पे आ चुका हूँ। अब क्यू सी को क्या करूंगा मैं, मतलब बैलेंस करने के लिए मैं ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करता हूँ, क्यू एच से डिवाइड करूंगा। देखो मैंने क्यू एच से डिवाइड किया हुआ, जैसे ही मैं क्यू एच से ऊपर और नीचे डिवाइड करूंगा, ओके ये क्यू एच से डिवाइड किया, ये ओके ये डिवाइड किया, दोनों कैंसिल हो गए और क्या बचा, क्यू सी अपॉन क्यू एच माइनस क्यू सी। ओके अब इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, अगर इस हीट को इन टर्म ऑफ टेम्परेचर में मुझे चेंज करना है दोस्तों, आपको पता है फ्रिज का जो परफॉर्मेंस होता है, जो इफिशंसी होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। आपको सबको पता है दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये चीज कि कारनॉट ने ये बताया था हम कौन सा फ्यूल उस इंजन के अंदर यूज, हीट इंजन के बारे में मैंने बताया था ना कि हम कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन चेंज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर डिफरेंस पे, हम कौन से टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं, तो हम बता सकते हैं इस फ्रिज की इफिशंसी कितनी होगी। तो सेम टू सेम दोस्तों इसमें भी वैसा ही है कि कौन से टेम्परेचर पे हम वर्क कर रहे हैं, तो इससे डिसाइड होगा कि फ्रिज की इफिशंसी कैसा होगा। ये किसने बोला था, कारनॉट बाबा ने बोला था। तो इसी को हम इन टर्म ऑफ टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, के इक्वल टू क्यू सी मतलब टी सी हो जाएगा दोस्तों, ओके कोल्ड टेम्परेचर, और ये हमारा क्यू मतलब हीट एडेड एट हाई टेम्परेचर, मतलब कोल्ड रिजर्वायर से जो हीट एड हो रहा है, तो यहाँ टी एच हो जाएगा माइनस
और ये क्यूसी है तो यहाँ क्या टीसी हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ जो मैंने लिखा वही लिखा है, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आइडियल रेफ्रिजरेटर और द कार्नोट रेफ्रिजरेटर, इट से दैट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर आल्सो डिपेंड ऑन ओनली द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। ओके, कोल्ड और हॉट रिजर्वायर में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताया दोस्तों स्टार्टिंग से। प्लीज़ आप वीडियो मेरा स्टार्टिंग से देखें, वही कहानी बार बार रिपीट है पर टॉपिक अलग अलग है, इसलिए मैं इसको अलग अलग बार बार बता रहा हूँ सब कुछ। अगर हर चीज़ें समझना है तो प्लीज़ स्टार्टिंग टू एंडिंग वीडियो देखो। तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर में बस इतना ही, कार्नोट रेफ्रिजरेटर में बस समझना इतना ही है कि कार्नोट हीट इंजन को अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उसके रिवर्स डायरेक्शन में, देन वी गेट हमें क्या मिलेगा, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। ओके दोस्तों, तो इसका मैंने ये लिख दिया। फिर इसके बाद क्यूसी मैंने क्यों लिखा, मैंने बताया प्रोसेस इस बार यहाँ से हो रहा है, क्यूसी और दोनों के बीच में जो वर्क है, तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, बाद में तो क्यूसी ऊपर और नीचे मैंने क्यूएस से क्या किया, डिवाइड किया, और फिर इसके बाद हाँ ये कैसे हो गया, ये QH इधर मल्टीप्लाई हुआ QH माइनस QC अपॉन QH, तो ये करके बता देता हूँ, उसमें कंफ्यूज ना, छोटी छोटी चीज़ें मेरी आदत है दोस्तों। QC ओके, QH इसको साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया और क्या बचा, QC अपॉन QH माइनस QC। ओके, इसलिए यहाँ बचा, और इन टर्म ऑफ टेम्परेचर मैंने इसी को चेंज कर दिया, हो गया। ओके दोस्तों, तो इतना ही है कार्नोट रेफ्रिजरेटर में। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके पास बस दो ही वीडियो बनाऊंगा। ओके, छोटा छोटा वही वीडियो है, चाहता तो मैं एक ही बार में खत्म कर दूंगा, पर मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि इतना अच्छा एंडिंग से मैंने इतना मेहनत की आपको, आपके लिए इस लेसन पे, तो मैं अभी जल्दबाजी नहीं करूंगा। ओके दोस्तों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।